electricity, पानी से बिजली बनाने वाले projects, उनसे बात की है, इंशाल्लाह उसके लिए कई funding हम दे चुके हैं, और कई funding इंशाल्लाह हम donor से तैयार करेंगे ताकि यहाँ बिजली, आपको कोई बिजली का सर्दियों में मसला ना हो। एक इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, वो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर है जो यहां आके फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने लगा है, यानी जो फल आपका होता है, आपका फल जाया हो जाता है, वो फल यहां प्रोसेस करके फिर दुनिया को एक्सपोर्ट करेगा ताकि उसमें भी आपको जो और जितना मीठा फल कुर्बानियां जो गिलगित और गुंजा की और ये दीर की और नगर की है, दुनिया में कई इस तरह की कुर्बानियां नहीं, और इंशाल्लाह जब यह प्रोसेसिंग प्लांट होगा तो ये एक्सपोर्ट की जाएगी यहां से। अब मेरे गिलगित के नौजवानों, एक तो हम आपकी यौम आजादी का जश्न बना रहे हैं, और एक आजादी मार्च इस्लामाबाद में हो रही है। अब देखना यह है कि वो किससे आजादी लेने आ रहे हैं इस्लामाबाद। वो बड़ी तादाद में लोग जमा हैं वहां। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान का मीडिया जाके माइक्रोफोन लेके जाके पूछे तो सही लोगों से को किससे आजादी लेने आए हैं, और मैं आपको बताता हूं क्या होगा वहां। जानते हैं वहां क्या होगा? अगर आप पीपुल्स पार्टी वाले से पूछेंगे तो वो और भी कोई बात शुरू कर देंगे कि जी महंगाई होगी। आप जब नून लीग वाले से पूछेंगे तो उनको पता ही नहीं होगा कि वो उस मार्च में क्यों है। और अगर जेयूआई वाले लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जनाब यहूदियों कब्जा करने लगे इस्लामाबाद का।